कहीं पुलिस प्रवासी मजदूरों पर लाठियां फटकार रही है तो कहीं मानवता की ऐसी मिसाल पेश कर रही है जिसे देख हर कोई पुलिस के दरोगा के जज्बे को सलाम करेगा। ताज़ा मामला यूपी के बुलंदशहर का है, जहां मेरठ गढ़ बुलंदशहर मार्ग पर जा रहे एक भूखे प्यासे विकलांग मजदूर को एक दरोगा ने अपना ही खाना अपने हाथ से खिलाकर इंसानियत की मिसाल पेश कर डाली। ये तस्वीर है बुलंदशहर के सयाना कोतवाली क्षेत्र की, जहां इस विकलांग प्रवासी मजदूर को सयाना कोतवाली में तैनात दरोगा विजेंद्र शर्मा अपने हाथ से खाना खिला रहे हैं। दरअसल मेरठ गढ़ सयाना मार्ग पर सड़क पर घुटनों के बल चलकर आते इस प्रवासी मजदूर को देखा तो सहसा ही इसकी पीड़ा को समझा और विकलांग मजदूर से खाना पीने के लिए जैसे ही पूछा तो विकलांग मजदूर ने हाँ कर दी। बस फिर क्या था, यूपी पुलिस के इस दरोगा ने अपना टिफिन अपनी बाइक से निकाला, पहले विकलांग मजदूर के हाथ साफ कराए और फिर अपना ही खाना अपने हाथों से सड़क पर बैठकर ही मजदूर को खाना खिलाया। जिसने भी ये दृश्य देखा हर कोई दरोगा के जज्बे को सलाम करने लगा। एक विकलांग सड़क पर चलता हुआ मेरे पास आया, उसने पानी की इच्छा जाहिर की कि मुझे प्यास लग रही, पानी पिला दो। मैंने पहले उसको सैनिटाइजर कर उसके हाथ धुलवाए, फिर उसके बाद उसके हाथ पानी बोतल लाकर उसके हाथ धुलवाए, फिर बिसलेरी की बोतल से ही उसको मैंने पानी पिलवाया, उसके चेहरा धुलवा, फिर उसके बाद में उसको खाना खाना दिया गया है, वो खाना